अपन बात करेंगे इंस्पिरिसिस सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी का स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 52.90 पर ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.73% की कमी इसमें देखने सॉरी वृद्धि इसमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो 1.83, पिछले एक साल की अगर बात करें तो यहाँ पर 7.19% की तेजी, 5 साल की अगर बात करें तो 1.6163 और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो 19% की गिरावट। यानी कोई खास ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आपको इस स्टॉक में देखने को नहीं मिले हैं। और अगर आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कंपनी की जो Q4 की अर्निंग्स भी आई है और किस प्रकार से स्टॉक यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है या किस प्रकार का सेंटीमेंट रहने वाला है। मार्केट कैप 206 करोड़ रुपए का देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर 0.59, बुक वैल्यू 0.20 है। 20 पैसे का जो बुक वैल्यू है उसकी स्टॉक की जो प्राइस रियल प्राइस 52 रुपये आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। पेस वैल्यू 10 रुपये स्टॉक स्प्लिट आपको देखने को मिल सकता है। अगर अपन बात करें कंपनी रिजल्ट्स की, कंपनी पिछले 5 सालों से कंपनी का रेवेन्यू आपको डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली 2018 के बाद डाउनवर्ड ही देखने को मिल रहा है। 2022 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है -13 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के लिए कंपनी जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली नेगेटिव आपको देखने को मिल रही है। उसी के बेसिस पर अगर बात करें तो जून, सितंबर और दिसंबर फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो -2, -1 और 0 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। इस बार यहाँ पर पॉजिटिविटी के आपको चांसेज अच्छे खासे देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर कंपनी के जो Q4 है उसके नंबर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर की तरह आपको यहाँ पर भी पॉजिटिव जो है रिजल्ट आपको देखने को मिला है। नेट इनकम 93 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़, 14% जम। नेट प्रॉफिट 0.70 करोड़ से बढ़कर 0.56 करोड़, 20% की कमी। अर्निंग पर शेयर 0.18 से कम होकर 0.14, 22% की कमी। पिछले साल के Q4 को अगर देखें तो वहाँ से कंपनी जो टोटल इनकम है 85 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़, 24% जम। नेट प्रॉफिट 5.4 करोड़ से कम होकर 0.56 करोड़, 89% की कमी। अर्निंग पर शेयर 1.37 से कम होकर 0.14 देखने को मिल रहा है, 89% की कमी यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए तो 2022 के अंदर कंपनी की टोटल इनकी जो इनकम है 346 करोड़ थे वो बढ़कर 395 करोड़ हो गए, 10% का जम। नेट प्रॉफिट -13 करोड़ का कंपनी को नुकसान था जो -2 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का नुकसान काफ़ी कम आपको देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर -3.37 से कम होकर -0.64 आपको देखने को मिला। कंपनी का अर्निंग प्रेशर में भी आपको सुधार देखने को मिला। कंपनी के रिजल्ट आपको पॉजिटिव में देखने को नहीं मिले लेकिन Q3 और Q4 के जो रिजल्ट है पॉजिटिव में आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ी कंपनी को लेकर अपडेट। और बात की जाए अगर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स की तो उन्होंने कोई भी होल्डिंग्स यहाँ पर चेंज नहीं की है। मार्च 2023 के अंदर भी उनकी होल्डिंग 69.95 की आपको देखने को मिल रही है। FIG की अगर बात की तो उनकी होल्डिंग काफ़ी पहले से आपको 0 देखने को मिल रही है। DIG की यहाँ पर कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात करें पब्लिक की तो मार्च 2023 के अंदर पब्लिक की 30.05 की होल्डिंग है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं या निवेशक हैं तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ समय से स्टॉक एक ही ट्रेंड लाइन पर आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर इससे बेहतर का स्टॉक भी आपको देखने को मिल सकते हैं और अभी का जो सेंटिमेंट है मार्केट का उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टॉक आपको करेक्शन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और अपना जो स्तर पर एनालिसिस करें उसके बाद ही आप इसमें निवेश करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो।